हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी प्लांट के बारे में कि आप अपने लौकी के पौधे से ढेर सारे फल फूल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो लौकी का प्लांट है, इस पर काफ़ी मात्रा में अच्छी तरीके से ग्रोथ भी चल पा रही है। जैसे ही हमारे पौधे की जो ब्रांच है ग्रोथ कर रही हैं, उनके साथ साथ छोटे छोटे फल भी बनते जा रहे हैं। और गाइस, आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो लौकी का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में ग्रीन एवं हेल्थी बना हुआ है और इसकी ग्रोथ है वो भी फास्ट तरीके से चल पा रही है। गाइस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में किसी बगीचे में स्थान पर कंटेनर बर्नर किसी भी स्थान पर लौकी प्लांट है वो उगाए हुए हैं और इन पर बहुत ही कम चांस बन गए हैं फल फूल बनने के, तो उन पर कुछ ऐसा आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, उसको एक बार आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कर दीजिए तो आपका जो लौकी का प्लांट है वो ढेर सारे फल फूलों से भर जाएगा। और गाइस, इतनी मात्रा में फल लगने लगेंगे कि आपकी फलों की संख्या अनगिनत होने लगेगी। तो माय ब्रदर्स, आप इस फर्टिलाइज़र का एक बार अपने पौधे पर अवश्य इस्तेमाल कर दें ताकि आप भी अपने पौधों से इतने ढेर सारे फल फूल पा सकें। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं कि अपने पौधे की देखभाल कैसे करनी है। तो गाइस, अपने बारिश के मौसम में पौधे की जो वाटरिंग है उसके बारे में अक्सर कर ध्यान रखना कि हमारे पौधे में वाटरिंग कितनी मात्रा में हो रही है और हमारे पौधे की जो सॉइल होती है उसको हर 10 से 15 दिन के बीच बीच में बदलते रहना है, क्योंकि पौधे की जो सॉइल में सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए और यदि अधिक मात्रा में नमी रही तो पौधे की जो रूट्स होती है वो गलने के चांस बन जाएंगे पौधों की रूट्सों में, तो प्लांट सूख जाएगा। गाइस, ऐसे हमें अपने पौधे की देखभाल सावधानी पूर्वक रखना है बारिश के मौसम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान ही लेते हैं कि किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है अपने पौधे पर और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में 1 लीटर पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो जानिएंगे उस दूसरी चीज़ के बारे में कि मैंने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ ये जो चीज़ ले रखी है वो है DAP। तो दोस्तों, DAP मैंने यहाँ पर कम से कम 500 दानों के लगभग ली हुई है, यानी एक चम्मच हो सकती है। और इसमें मैंने DAP को अच्छी प्रकार से डाल करके भी रेडी कर दिया है, तो इसे हम कम से कम 2-3 घंटे के लिए कहीं दूसरी जगह पर रख देना है कि हमारे DAP के दाने हैं वो गिल मिल करके अच्छी प्रकार से फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो जाए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाथ की सहायता से इस DAP को गोल करके अच्छी प्रकार से रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब रख ही देते हैं कहीं पर जो कि हमारी जो DAP है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से गोल करके रेडी हो जाए और फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो जाए। दोस्तों, ये DAP से होता क्या कि हमारे पौधे की जो बारिश के मौसम में फल बनकर जड़ जाते हैं या फिर पत्ते सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं या फिर फलों का साइज बड़ा नहीं होता है, तो इन सभी चीज़ों का इस DAP का इस्तेमाल करने से काफ़ी मात्रा में लाभ होता है, यानी फल बड़े साइज के बन जाते हैं और रोग भी नष्ट हो जाता है, काफ़ी मात्रा में ग्रोथ भी फास्ट तरीके से होने लगती है। तो दोस्तों, मेरा जो फर्टिलाइज़र है वो आप सामने देख पा रहे हैं बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पौधे की और लौकी के पौधे में कैसे इस्तेमाल कर देना है ताकि हमारे जो पौधे के चांस बने हुए हैं नष्ट होने के या फिर रोग के, तो वो कैसे नष्ट हो सकते हैं। तो गाइस, या तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर पौधों की रूट्सों में डाल सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस बर्तन में फर्टिलाइज़र को लेकर के रेडी कर लिया है और इसे अपने पौधे की रूट्सों में कैसे डालूंगी। तो दोस्तों, मेरा जो फर्टिलाइज़र था वो मैंने अच्छी प्रकार से पौधे के पास में लेकर के रेडी कर लिया है और आप देख पा रहे हो कि पौधे की सॉइल है वो अच्छी प्रकार से नमी बनी हुई है पौधे की जो सॉइल है उसमें। तो दोस्तों, मैंने इसे फर्टिलाइज़र को लेकर के अपने पौधे की चारों तरफ रूट्सों में इस प्रकार डाल दिया है सॉइल में कि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं उनमें अंदर तक फर्टिलाइज़र पहुँच जाए, तो हमारे पौधे के जो फल के साइज होते हैं वो बड़े होने लगेंगे और पौधे पर रोग है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपने पौधे पर फर्टिलाइज़रों का यूज करते रहना है ताकि काफ़ी मात्रा में फल फूल लग सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।